और ये देखो कंबाइन का जो हुक वगैरह है ना वो इधर साइड में चेक करो, ठीक है, पूरा निकल के बाहर आ जा। और एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ है मेरे को लग रहा है, देखो भाई पूरा रोड है ना इधर की साइड में कहाँ से कहाँ तक सब टूटा हुआ है। दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाय बेटा, बाय बाय। ये देखो ये कंडीशन है गाड़ी की। और बाकी मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से देखो और यहाँ तक का भाई, ये देखो ब्लड वगैरह यहाँ पे ना हर जगह पे लगा हुआ है। और शायद उस वाली सीट को भी अभी हम लोग चेक करते हैं। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ था। अब नॉर्मल मान के चलो कि इस कंडीशन में भाई, तो वो ड्राइवर की भी कंडीशन है ना पूरी खत्म हो जाती है। डबल लाइन है बस सिर्फ, और ये फोर लाइन अगर होता तो मतलब ये दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। बहुत बड़ा भाई जाम लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है ना जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है ना जाम लगता रहता है। वही कंडीशन है, भाई ट्रैफिक ना इतना ज़्यादा होता है हाईवे पे कभी कभार, क्योंकि ये डबल लाइन है अगर सिर्फ, और ये फोर लाइन अगर होता तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। बहुत बड़ा भाई जाम लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है ना जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है ना जाम लगता रहता है। वही कंडीशन है, यही सोच रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो अब नॉर्मल मान के चलो कि इस कंडीशन में भाई, तो वो ड्राइवर की भी कंडीशन है ना पूरी खत्म हो जाती है। ड्राइवर कहाँ से बचेगा इसमें, मेरे को तो लगता नहीं कि इसमें बच पाएगा भाई साहब। ये देखो पूरी पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई। अभी दिखाता हूँ मैं, देखो पास दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाय बेटा, बाय बाय। ये देखो ये कंडीशन है गाड़ी की। और बाकी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से देखो और यहाँ तक का भाई, ये देखो ब्लड वगैरह यहाँ पे ना हर जगह पे लगा हुआ है। और शायद उस वाली सीट को भी अभी हम लोग चेक करते हैं। वो देखो कांच वगैरह ना पूरे ख़त्म है और दोनों साइड में ब्लड लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ है भाई। बचने के तो चांसेस शायद ही नहीं होंगे यहाँ पे। जो पता नहीं, अभी हम लोग आए हैं तो अभी देखा था, शायद ये कंबाइन से हुआ है। हाँ हाँ, मेरे को ये लग रहा है ना कंपाइन से हुआ, कंपाइन से। और ये देखो कंपाइन का जो हुक वगैरह है ना वो इधर साइड में चेक करो, ठीक है, पूरा निकल के बाहर आ गया। और एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ है मेरे को लग रहा है, देखो भाई पूरा रोड है ना इधर की साइड में कहाँ से कहाँ तक सब टूटा हुआ है। और दो दो सवारी बैठी हुई थी। अच्छा। और दोनों सवारी, आप ये मान के चलो दोनों सवारी बिल्कुल खत्म ही है। हाँ, उधर भी लगा, इधर भी लगा है। ये देखो है? दोनों साइड में लगा हुआ है, क्योंकि वो स्टेरिंग वाला हिस्सा तुम देखो कहाँ आ गया। हाँ, ये है दिक्कत, ये है पता नहीं कहाँ कब हुआ था। आज सुबह, अरे वो का है, ट्रैक्टर का है, वो ट्रैक्टर वाला है, हम क्या कंपाइन का है। ट्रैक्टर खींच के चला गया होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हमें उम्मीद जहाँ तक है तो बचे नहीं होंगे इसमें। बहुत तगड़ा तो बचेगा। ड्राइवर तो उम्मीद ही नहीं बचने की, अब ऊपर वाला नसीब अगर सही हो। हाँ, पर हमें उसकी देखो वो साला नीचे पड़ा हो। हाँ भाई, हम देख रहे हैं, हमने तो ये समझा कंपाइन का है वो। लगा या फिर है तो जल्दी, अभी सूखा भी ना। हाँ, तभी तो बता रहा परदेशी इंसान हो, बच्चे हो। बट भाई जो भी कंडीशन थी वो मेरे को
ऐसा तो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई जिस हिसाब से गाड़ी में ब्लड वगैरह लगा हुआ था दोनों साइड में लगा हुआ था, ऐसा नहीं था एक साइड में लगा हुआ होता तो अलग की बात होती, बट दोनों साइड में दोनों सीट कवर पे ब्लड लगा हुआ था। जो ड्राइवर की साइड की स्टेन थी मैंने प्रॉपर आपको वीडियो में दिखाया था कि वो वाली साइड ना पूरी ख़त्म हो चुकी थी, इसकी वजह से मेरे को तो लगता नहीं कि ड्राइवर के बचने के चांसेस होंगे। और जो साइड में जगह थोड़ी रह जाती है हमारे कंडक्टर के बैठने के लिए या फिर पैसेंजर वगैरह बैठ जाता है, तो वहाँ की आप सिचुएशन ये मान के चलो कि वहाँ भी ब्लीडिंग वगैरह थी और वहाँ भी ब्लड वगैरह जो था सीट पर लगा हुआ था। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है दोनों लोगों की कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और शायद मेरे को मान के चलो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम पे हुआ था, मैंने सोचा कि अभी जल्दी हुआ होगा या फिर कल हुआ होगा, लेकिन ब्लड जो था भैया बता रहे थे जल्दी का था तो ब्लड अभी सूखा नहीं है। तो भाई आज वाले ब्लॉग को ना भाई यहीं ख़त्म करते हैं, भाई सीधे निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की यार, क्योंकि एक्सीडेंट होता ना तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो चीज़ मान लो दूसरे के साथ में हो, कभी ये चीज़ हमारे साथ में होगी तो क्या होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय एंड थैंक यू सो मच।